देखिए, इफेक्ट ऑफ करंट में आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिएगा तो आर्टिकल सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसमें हम देखेंगे बल्ब। बल्ब में क्या होगा, देखिए एक ये क्या होगा, फ्लिगमेंट होता है जो ग्लो करता है करंट फ्लो करने के बाद, मतलब एक गूंज सी होती है जो क्या करेगी, हीट करती है, हीटिंग करती है, कह सकते हैं ग्लो करती है, क्या जब इसमें करंट पास करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लिगमेंट। ठीक, ये जो फ्लिगमेंट है, ये फ्लेमेंट है, ये फ्लेमेंट क्या होगा, टंगस्टन का हमें यूज करना है। टंगस्टन का क्यों, क्योंकि इसके वही सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं फ्लिगमेंट बनाने में जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, क्योंकि ये क्या करेगा, जिसमें करंट पास करेंगे तो हीट होगा और हीट से ये मेल्ट ना हो जाए, तो ऐसा हमें सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा फ्लिगमेंट में जो क्या हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो। तो हम क्या यूज करते हैं यहां पे, टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई। और इस बल्ब के अंदर क्या होगा, एक इनर्ट गैस यूज करेंगे जिससे क्या हो जाए, अगर कोई भी इनर्ट गैस के अलावा कोई और गैस हुई तो वो क्या कर सकती है, इस फ्लेगमेंट से रिएक्ट कर सकती है हीटिंग के साथ। ठीक है, तो जैसे हीट करेंगे वो रिएक्ट ना करे इससे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इनर्ट गैस। अगर मान लीजिए इनर्ट गैस नहीं भरेंगे तो ऑक्सीजन रहेगी और ऑक्सीजन क्या कर सकती है, इससे रिएक्शन कर सकती है हीटिंग के साथ, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस यूज करेंगे। कोई भी आप ऐसी गैस यूज कर सकते हैं जो इनर्ट नेचर की हो। ठीक है, चलिए देखें, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, अब बल्ब पे क्या होगा, कुछ चीजें प्रिंटेड होती हैं, वोल्टेज प्रिंट होगा, उसकी पावर क्या होगी प्रिंट होगी, तो वो कैसे क्या क्या बताती है हमें, जरा समझिए। देखिए इसको, तो अगर हम बात करें तो प्रिंटेड डेटा, प्रिंटेड डेटा ऑफ बल्ब, तो बल्ब पे प्रिंटेड डेटा क्या होगा, अगर एक तो बीपी लिखा होगा और एक क्या होगा डब्ल्यूपी। V मतलब वोल्टेज, P मतलब प्रिंटेड, जो उस पर लिखा हुआ है प्रिंटेड है। ठीक है, तो BP क्या हो गया, प्रिंटेड वोल्टेज, और क्या बोल सकते हैं इसे, रेटेड वोल्टेज। दूसरा WP, W मतलब पावर और P मतलब प्रिंटेड पावर। ठीक है, तो WP हो गया प्रिंटेड पावर, तो प्रिंटेड पावर और ये बोल सकते हैं इसे रेटेड पावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, हमारे पास कोई बल्ब है, उस पर लिखा है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वोल्टेज है कि बल्ब पे प्रिंटेड वैल्यू हो गई, बीपी की वैल्यू कितनी हो गई 220 और डब्ल्यूपी की वैल्यू कितनी हो गई 100। क्लियर, अब ये हमें बताएगा क्या, ये हमें बताएगा कि अगर हम क्या करें, इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो उस समय ये बल्ब कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट की। तो इसका मीनिंग ये है कि 220 वोल्ट की सप्लाई अगर हम इसको देंगे तो ये कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट। क्लियर, और एक बात, अगर हम क्या करेंगे, इस बल्ब पे 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे तो उस समय जो बल्ब का ग्लो है वो क्या होगा, सबसे ब्राइटनेस होगी, तो उस समय जो बल्ब का ग्लो होगा वो सबसे ब्राइट होगा। और अगर हम क्या करें, सप्लाई वोल्टेज को इस प्रिंटेड वोल्टेज से क्या कर दें, कम कर दें, यानी कि इसको जो वोल्टेज हम अप्लाई करें, वो सप्लाई करें, वो क्या है, 220 से कम हो, तो उस केस में जो बल्ब है वो डिम लाइट देगा। और अगर हम क्या करें, वोल्टेज इस बल्ब को 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई प्रोड्यूस कर दें, तो उस केस में बल्ब क्या हो जाएगा, फिर फ्यूज्ड हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए, तो ये क्या बात बता रहा है हमें, अगर हम देखें इसकी बात, तो ये, तो देखिए जी, ये कह रहा है, व्हेन दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, देन बल्ब गिव अस 100 वाट पावर। तो अगर 220 वोल्ट की सप्लाई इसको देंगे तो कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट। ये प्रिंटेड वैल्यू हमें बता रही है। ये क्या थी, वीपी और ये क्या था, डब्ल्यूपी। चलिए और बात देखिए, लेट सप्लाई वोल्टेज इज वीएस। मान लीजिए मैं सप्लाई वोल्टेज, उसको वोल्टेज दे रहा हूं जो बैटरी इस पे लगा रहा हूं, ठीक है, उसका वोल्टेज कितना है, वीएस है। ठीक है, जो सप्लाई इसको जा रही है वो कितनी है, वीएस। मतलब ये क्या हो गया, वी मतलब वोल्टेज, एस मतलब सप्लाई का वोल्टेज। वो वोल्टेज तो क्या था, जो उस पर प्रिंटेड है बल्ब पे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, इफ वीएस बड़ा हो किससे, बीपी से, मतलब सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो जाए किससे, प्रिंटेड वोल्टेज से, देन बल्ब विल गेट फ्यूज, तो उस केस में बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ बीएस इक्वल हो जाए किसके, बीपी के। अगर बीएस इक्वल हो जाए बीपी के, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, बल्ब विल ग्लो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो उसमें बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, कह सकते हैं उस समय जो बल्ब ग्लो करेगा वो मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, कब, जब सप्लाई वोल्टेज इक्वल हो प्रिंटेड वोल्टेज के। तीसरी कंडीशन, अगर वीएस की वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंटेड वोल्टेज से कम हो जाए, मतलब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाए प्रिंटेड वोल्टेज से, उस केस में बल्ब विल गिव डिम लाइट, तो उस केस में जो बल्ब है वो डिम लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, जो बल्ब है उस बल्ब का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं प्रिंटेड वैल्यू से। प्रिंटेड वैल्यू क्या है, एक तो वोल्टेज है और एक पावर है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब,
कैसे? ये कह रहा है टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब यूज इट्स प्रिंटेड डाटा, इसके जो प्रिंटेड डाटा है उसको हम यूज करेंगे कैसे? देखिए अगर हम बात करें पावर की तो पावर को होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, पावर होता है, पावर की बात करें तो पावर होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और अब मुझे आर निकालना है तो पावर को अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, तो आर इक्वल होगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, मगर कौन सा वोल्टेज होगा, कौन सी पावर होगी, प्रिंटेड प्रिंटेड वोल्टेज और प्रिंटेड पावर, क्योंकि किसी भी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स होगा, वो तो सप्लाई के चेंज करने से चेंज थोड़ी ना होगा, किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वो फिक्स रहेगा तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू किससे निकलेगी, फिक्स वैल्यू से, और फिक्स वैल्यू कौन सी होती है, प्रिंटेड वोल्टेज और प्रिंटेड पावर, तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर मतलब हो गया रेजिस्टेंस, बी मींस बल्ब का, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, वी स्क्वायर अपॉन पावर कौन सी वोल्टेज, प्रिंटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन प्रिंटेड पावर, ठीक है, जहां पे P मतलब होता है प्रिंटेड ऑफ बल्ब, जो बल्ब पे प्रिंटेड है या रेटेड है, क्लियर। अब यहां देखिए जनरली अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या होता है, जो हम डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो सब किस पे बनाई जाती है, 220, उन पे जो प्रिंटेड वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, तो कहेंगे तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हम डिफरेंट डिफरेंट बल्ब ले रहे हैं तो उनका सबका वोल्टेज, जो प्रिंटेड वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट सबका क्या होगा, सेम होगा, कितना, 220। तो अगर देखें जनरली, अगर हम बात करें इसकी, तो जनरली इसमें क्या होगा, तो जनरली बीपी इज सेम, बीपी अगर सेम हुआ, ये सेम हो गया, तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंटेड पावर के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए बीपी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्रिंटेड पावर के, क्लियर होगी बात। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है वो तो इससे निकलेगी, किसी भी बल्ब का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कितना होगा तो किससे आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पावर से, ये कह सकते हैं बीपी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू पी। अब बीपी क्या होगा, जनरली क्या रहेगा, सेम रहता है, ठीक है, कॉमन रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको कॉमन कर दें तो इसको हटा दीजिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्रिंटेड पावर के, मतलब प्रिंटेड पावर जितनी ज्यादा होगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जिस बल्ब पे प्रिंटेड पावर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि एक बल्ब पे लिख रहा है 100 वाट और एक बल्ब पे प्रिंटेड है कितना, 25 वाट, तो किसकी पावर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस पे पावर की वैल्यू कम होगी, तो 25 वाट वाले की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो कह रहा है मोर प्रिंटेड पावर लेस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। दूसरा फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब पे लिखा है मान लीजिए 25 वाट और एक पे लिखा है 100 वाट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो किसकी पावर ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 25 वाट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस और 25 वाट वाले का ज्यादा होगा किससे, 100 वाट वाले से, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंटेड पावर के, क्लियर। नेक्स्ट एक और बात समझिए, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस किसी भी अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू होगा रो एल अपॉन ए। अगर हम बल्ब की जो फिलामेंट है उसके लिए हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो कितना होगा, रो एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई टंगस्टन की, एल क्या हो गया, लेंथ हो गई किसकी, फिलामेंट की, और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया किसका, फिलामेंट का, ठीक। चलिए जनरली क्या होगा, अगर हम बात करें रो, अगर दो बल्ब को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट बल्ब को हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें रेजिस्टिविटी सेम होगी और लेंथ सेम होगी, इज सेम। अगर हम रो और एल को हम जनरली क्या मान लें, सेम, और जनरली सेम होती हैं, तो एक बात क्या हो गई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टिविटी सेम हो और लेंथ सेम हो तो उस केस में जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंटेड पावर के, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्रिंटेड पावर के, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था प्रिंटेड पावर के, तो इसका मतलब प्रिंटेड पावर और एरिया एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए तो इसमें क्या कंडीशन निकल कर आ गई, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंटेड पावर के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनके दोनों के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली। अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रिंटेड पावर के, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इससे एक तो ये पता चल रहा है कि जिसकी प्रिंटेड पावर क्या है, कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और दूसरा एक और पता चल रहा है कि जिसकी प्रिंटेड पावर क्या होगी, कम होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कम होगा, और जिसकी प्रिंटेड पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसे समझिए, रेजिस्टेंस अगर जिसका क्या है, जिसकी प्रिंटेड पावर क्या है, जिसकी प्रिंटेड पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा,
और जिसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कम है उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो ऐसे कह लो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो थिक होगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या होगा, थिन होगा। आगे बात समझे, देखिए जितना ए कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वायर क्या होगा, थिन, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो वायर क्या होगा, थिक। क्लियर होगी बात। चलिए तो इससे क्या फाइनल निकल के बात आ रही है, ये बात निकल कर आ गई, अगर हम बात करें मोर प्रिंटेड पावर ऑफ बल्ब मींस मोर थिकनेस ऑफ फिलामेंट, तो जितनी पावर क्या होगी, कह रहा है जितनी ज्यादा पावर होगी, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना क्या होगा, थिकनेस होगा किसका, फिलामेंट का, और जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा थिकनेस, और जितना ज्यादा थिकनेस होगी या कह सकते हैं एरिया ऑफ प्रोजेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा बल्ब का। क्लियर होगी बात, ये ध्यान देखिए। अब बात करते हैं व्हेन सप्लाई, हमने क्या करा, इस बल्ब को हमने जो सप्लाई, बल्ब को एक सप्लाई दे रहे हैं जिसकी जिसका वोल्टेज ऑफ सप्लाई क्या है, प्रिंटेड वोल्टेज से क्या है, कम है। ठीक, तो ये कह रहा है व्हेन वीएस क्या हो, कम हो किससे, प्रिंटेड वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज क्या हो, कम हो किससे, प्रिंटेड वोल्टेज से, तो उस केस में देन पावर गिवन बाय द बल्ब, तब बल्ब कितनी पावर हमें प्रोड्यूस करेगा। ये तो हमें पता है अगर वीएस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, बीपी के, तो उस समय जो पावर प्रोड्यूस होती है वो प्रिंटेड पावर के इक्वल होगी। मगर जब सप्लाई वोल्टेज क्या है, प्रिंटेड वोल्टेज से कम है, तो उस कंडीशन में बल्ब कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये मान लीजिए बल्ब हो गया जिसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरबी, और जिसमें हमने सप्लाई कितनी दे दी, वीएस। ठीक, तो देखिए जो पावर होगी, अगर हम बात करें तो पावर क्या होती है, पावर होगी वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, कौन सा वी, पावर जो है बल्ब जो हमें पावर दे रहा है, तो कौन सा वी यूज करेंगे, जो हम सप्लाई उसको दे रहे हैं। देखिए किसी भी बल्ब में पावर कब आएगी, जो उस पर लिख रहा है, जो उस पर प्रिंटेड है, उससे थोड़ी ना ग्लो कर जाएगा बल्ब, बल्ब पे जो कुछ भी लिख दें तो उसे ग्लो करने लगेगा, बल्ब तो जब ही ग्लो करेगा जब उस पर बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे मतलब उस पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, और वोल्टेज सप्लाई कितना कर रहे हैं, वीएस, जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, पावर आएगी। तो पावर हो, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, मगर वो वी कौन सी, जो हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस तो बल्ब का फिक्स रहेगा, तो ये क्या हो गया, तो किस कौन प्रोड्यूस करेगा पावर, बल्ब, और बल्ब तो बल्ब करेगा, तो बल्ब का क्या लेंगे, रेजिस्टेंस। तो P is equal to क्या हो गया, V square upon R, मगर कौन सी वोल्टेज लेनी है, जो सप्लाई, जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं बल्ब को, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। चलिए अब एक और बात समझें, अगर मैं बात करूं इस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को, क्योंकि रेजिस्टेंस का बल्ब भी तो मुझे, बल्ब का रेजिस्टेंस भी तो नहीं मालूम होता, तो बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस होता है V square upon पावर, वो किससे आएंगे, वो सब किससे आएंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, तो कौन सी वोल्टेज आएंगी, फिक्स वोल्टेज, और फिक्स वोल्टेज मतलब जो प्रिंटेड वोल्टेज है, तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा वो किससे आएगा, वो आएगा बीपी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू पी। क्लियर हो गई, रखिए इस वैल्यू को, इस वैल्यू को उठाकर यहां रखिए, जब इस वैल्यू को यहां उठाएंगे तो बीपी तो अपॉन में हो जाएगा, डब्ल्यू पी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, जो पावर प्रोड्यूस होगी बल्ब के द्वारा वो क्या होगी, बी एस अपॉन बीपी का स्क्वायर, और इंटू क्या होगा, प्रिंटेड पावर। क्लियर होगी बात, तो जो पावर सप्लाई करेगा, अगर हम किसी भी बल्ब को ये वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो इस सप्लाई वोल्टेज पे कितनी पावर वो प्रोड्यूस करेगा, तो होगा वी एस अपॉन बीपी का होल स्क्वायर इंटू प्रिंटेड पावर। अगर वीएस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, बीपी के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो बस पावर किसके इक्वल हो जाएगी, प्रिंटेड पावर के, और वो होती भी है। जब हम क्या करेंगे, बल्ब को, अगर बल्ब को जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्रिंटेड वोल्टेज के इक्वल कर दें, तो उस समय जो पावर प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो प्रिंटेड पावर के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। क्लियर, तो ये क्या हो गई, पावर गिवन बाय द बल्ब व्हेन वीएस छोटा हो किससे, बीपी से, अगर बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बल्ब ही फ्यूज हो जाएगा, फिर वो हीट ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर छोटा है तो ये कंडीशन है, और इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाएगा तो जो प्रिंटेड पावर, जो प्रोड्यूस बल्ब के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होगी वो प्रिंटेड पावर के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, अगर वीएस और बीपी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम समझिए, ये देखिए प्रॉब्लम से समझिए, बात समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है एक बल्ब है हमारे पास जिसपे क्या लिखा है, 100 वाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट और 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब और पावर गिवन बाय द बल्ब। एक बल्ब है जिसपे क्या लिखा हुआ है, जिसपे प्रिंटेड क्या है, 220 वोल्ट और 100 वाट पावर, ठीक, और उसको हमने कितनी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इस बल्ब को कितनी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, 110 वोल्ट की
समझिए, अगर मैं इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करता तो कितनी पावर प्रोड्यूस करता, ये पावर प्रोड्यूस करता कितनी, 100 वाट। मगर हमने सप्लाई अब कितनी है, सप्लाई जो प्रिंटेड सप्लाई प्रिंटेड वोल्टेज से क्या है, कम है, कम है, तो पावर अब कुछ और होगी। तो पावर क्या होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इसका, क्या होगा, जो प्रिंट बल्ब के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होगी वो होगी Vs अपॉन बीपी का स्क्वायर इंटू प्रिंटेड पावर। क्लियर, यहां से सोल्व करेंगे इसकी, कितनी बार डिवाइड हो गया, 1/2, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आ गया 1, इसको इसने इसको कट किया कितना, 2 बार, तो हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और 1/4 को 100 से कट, 4 से 100 कट करेंगे कितना आ जाएगा, 25 बार। क्लियर होगी बात, चलिए नेक्स्ट। वो पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब किससे आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, मगर कौन सा वोल्टेज और कौन सा पावर, प्रिंटेड पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है एक फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू है तो इसमें क्या होंगे, वो क्या होंगे, जो प्रिंटेड वैल्यू है वोल्टेज की और पावर की, वही हम क्या उसी से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे किसका, बल्ब का। तो बीपी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू पी, बीपी कितना था, 220 स्क्वायर है तो 220 इंटू 220, और प्रिंटेड पावर कितनी थी, 100, बस सॉल्व करिए इसको, 0 से 0, 0 से 0, 22 इंटू 22 कितना आ जाएगा, 484 ओम्स। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कंपैरिजन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, अगर हमें बल्ब की ब्राइटनेस कंपेयर करनी है कि कौन सा बल्ब सीरीज में ज्यादा ब्राइटनेस होगा, कौन सा बल्ब क्या होगा, कौन सा बल्ब पैरेलल में क्या होगा, ज्यादा ब्राइट होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, कोई पर्टिकुलर एक बल्ब आपने लगाया तो किसी भी पर्टिकुलर एक बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा कब आएगी, जब उसकी सप्लाई वोल्टेज इक्वल हो जाए प्रिंटेड वोल्टेज के, तो उस केस में जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। अगर उससे प्रिंटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देंगे तो फ्यूज हो जाएगा, और कम करेंगे तो डिम लाइट प्रोड्यूस करेगा। बात कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, तो समझिए, तो पहले तो बात समझे कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हीट पे, तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हीट के, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हीट के, जिसमें जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए बल्ब आर कनेक्टेड इन, अगर हमने क्या कर दिया, बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कहां पे, घर पे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अपने घर पे सीरीज पे लगा लें या पैरेलल पे लगा लें, तो देखिए कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो समझे, तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो हीट है किसी भी बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हीट के, जितनी ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगी उतनी ही ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी। अब हीट प्रोड्यूस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, हीट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसमें उतनी हीट ज्यादा क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो देखिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंटेड पावर के, अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रिंटेड पावर के इन्वर्सली, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां से अब हम बात करें तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, तो जिसकी हीट ज्यादा उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा। अब हीट ज्यादा किसकी होगी जी, तो हीट ज्यादा उसकी होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, जिस पे प्रिंटेड पावर क्या हो जाएगी, कम, तो प्रिंटेड पावर जितनी कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी हीट ज्यादा, और जितनी हीट ज्यादा उतनी ब्राइटनेस ज्यादा। तो जो ब्राइटनेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पावर, प्रिंटेड पावर के। तो जिस भी बल्ब पे प्रिंटेड पावर क्या है, कम है, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी सीरीज में। तो जिस सीरीज में अगर मान लीजिए हमारे पास 10 बल्ब लगे हैं तो उनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, तो जिसका क्या होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई, और रेजिस्टेंस हाई उसका होगा जिस पे प्रिंटेड पावर क्या होगी, कम। तो देखिए इन अगर हम बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन लेस पावर बल्ब विल ब्राइट मोर, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन लेस पावर बल्ब विल ब्राइट मोर, तो जिसकी पावर कम होगी वो बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। यहां देखिए पैरेलल में जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पावर के, ऊपर पहुंच गया, तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पावर के। कौन सी पावर, प्रिंटेड पावर, ठीक है। तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पावर के। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रिंटेड पावर के, और सीरीज में जो ब्राइटनेस थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई थी किसके, प्रिंटेड पावर के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का
जिस बल्ब की प्रिंटेड पावर ज्यादा होगी उसी की ब्राइटनेस क्या आएगी, ज्यादा आएगी, वही ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर पावर बल्ब विल ब्राइट मोर। क्लियर? नेक्स्ट एक प्रॉब्लम समझ लें। देखिए अगर हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखें तो इसमें समझिए बात को, क्या कह रहा है जी। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूज ऑफ लो पावर बल्ब इज मोर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, जिसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, तो फ्यूज होने के चांसेस भी उसी के ज्यादा है क्योंकि उसी के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आ रहा होगा। आगे बात समझ में नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो करेगा जिसपे क्या है, जिसकी प्रिंटेड पावर ज्यादा है, और जिसकी प्रिंटेड पावर ज्यादा है तो उसी के फ्यूज होने के चांसेस भी क्या होंगे, पैरेलल में ज्यादा होंगे। आगे बात समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा उसी के फ्यूज होने के चांसेस भी ज्यादा, उसकी फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और ब्राइटनेस ज्यादा किसकी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसपे प्रिंटेड पावर क्या होती है कम। समझ लीजिए एग्जाम्पल से, ये हमारे पास दो बल्ब हैं B1 और B2, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया एक सप्लाई से। सप्लाई कितनी दी है, 440 वोल्ट की, ठीक है, 440 वोल्ट। और इस बल्ब पे प्रिंटेड कितना है, 220 वोल्ट और 25 वाट, इस पे 220 वोल्ट और 100 वाट। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रिंटेड वैल्यू है, प्रिंटेड वोल्टेज है, दोनों का सेम है। प्रिंटेड वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट, और दोनों की प्रिंटेड पावर अलग अलग है, एक की 25 वाट है और एक की 100 वाट है। क्लियर? तो ये कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गिवन सर्किट विच बल्ब इज विल बी गेट फ्यूज, इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब वो फ्यूज होगा जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए, जिसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज प्रिंटेड वोल्टेज से अधिक हो जाए। तो देखिए ये जो वोल्टेज है 44 का, कुछ इसका कुछ पार्ट यहां जाएगा और कुछ पार्ट यहां जाएगा। अगर वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है अगर वो 220 से ज्यादा हो जाए तो ये फ्यूज हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाए तो ये फ्यूज हो जाएगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाए तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों में किसी में भी नहीं होगा तो दोनों में से कोई सा फ्यूज नहीं होगा। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा जिसका वोल्टेज क्या हो जाए, जिसके अक्रॉस वोल्टेज या कह सकते हैं सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाए, जिसके अक्रॉस प्रिंटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए वो फ्यूज हो जाएगा। तो देखिए अब जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किससे होगा, रेजिस्टेंस से। यहां से जो वोल्टेज आएगा तो जिसके क्रॉस सीरीज में करंट रहती है सेम, तो V इक्वल टू होगा I इनटू R, I तो है सेम, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा आएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, कम आएगा। चलिए अब देखें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंटेड पावर के, क्योंकि V² / W या कह सकते हैं BP² / WP होता है, तो BP तो दोनों में सेम है, तो क्या जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, ज्यादा, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, कम, और जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा उसी के फ्यूज होने के चांसेस होंगे। तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज नहीं होगा। पता कर लो कि देखिए इसके अक्रॉस, क्योंकि 220 वोल्टेज तो इसमें 50-50, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होता तो 220 यहां, क्योंकि जो 240 था। अब ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम है नहीं, रेजिस्टेंस सेम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है। जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 50 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब 220 से ज्यादा, तो ये फ्यूज हो जाएगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज 220 से कम रह गया होगा तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज है वो 220 से कम होगा, तो ये फ्यूज नहीं होगा। देखिए कैसे। तो देखिए लेट रेजिस्टेंस ऑफ V1 इज R, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि V1 बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो R है, so resistance of B2 will be R/2, तो जो सेकेंड बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस फिर R/2 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी, अगर इसकी पावर 25, इसकी पावर कितनी 100, तो B1 की पावर अगर 1 है तो B2 की पावर कितनी है 4P, अगर B1 की पावर P तो B2 की पावर कितनी है 4P, और पावर 4 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सीधी बात, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। तो अगर क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बल्ब का क्या होता है, BP² / प्रिंटेड पावर, बीपी तो दोनों का सेम है, तो बस प्रिंटेड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं बात करूं R1/R2 की तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, P1/P2, और P1 कितनी हो जाएगी, 100/25, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो अगर ये R है तो कितना होगा R/2, या अगर ये R है तो वो कितना हो जाएगा 4R।
Now divided 440 volt in ratio of resistance. अब जो जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होगा, जब सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो सीरीज में जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के. जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसी रेशियो में क्या होगा, नेट टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, आर रेशियो आर बाई फोर, या कह सकते हैं 1:1/4, या कह सकते हैं 4:1. अगर ये 4 है तो वो कितना है, 1. टोटल टोटल कितने रेशियो होने, 5. तो देखिए अगर मैं वोल्टेज देखूं V1 के अक्रॉस, तो V1 के अक्रॉस होगा R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल R1 तो कितना था, R, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था, R प्लस R बाई 4, और इनटू 100 टोटल वोल्टेज. ठीक है, टोटल वोल्टेज को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, इस रेशियो में, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2. ठीक है, V1 पे निकाल लें तो R1 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज. तो ये कैसा आएगा, ये अगर हम बात करें तो यहां से कितना हो गया, अगर हम बात करेंगे तो अगर ये 1, अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5, क्योंकि टोटल हिस्से, अगर ये देखिए 4 है तो ये कितना है, 1. ऐसे करिए 4:1, तो टोटल हिस्से कितने हैं, 5 हैं. तो टोटल टोटल वोल्टेज को 5 से डिवाइड करिए, और आर 1 के हिस्से में कितना आएगा, 1 के हिस्से में कितना आएगा, 4. तो कितना, 4/5, ऐसे ही सोल्व करिए, ये आगे वैल्यू 4/5 × 440. तो इसे सोल्व करिए, यहां से सोल्व करेंगे तो आ रहा है 352 वोल्ट. तो ये वोल्ट क्या हो गया, 220 से ज्यादा आ रहा है, 220 से ज्यादा आ रहा किसके अक्रॉस, वोल्टेज सप्लाई जो है फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस वो कितनी आ रही, 352, या कह सकते हैं 352 वोल्ट, और जो क्या है प्रिंटेड वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है. और प्रिंटेड वोल्टेज से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. अगर मैं B2 बल्ब के थ्रू देखूं तो B2 बल्ब के टोटल सप्लाई है कितनी, 440, इसमें से माइनस कर देंगे कितनी, 352, तो ये कितना आ जाएगा, 88 वोल्ट. और ये 88 वोल्ट है तो ये किससे कम है, ये 220 से क्या है, कम है. कह सकते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है सेकंड बल्ब के थ्रू वो प्रिंटेड वोल्टेज से क्या है, कम है. तो ये तो ग्लो करेगा मगर डिम लाइट के साथ ग्लो करेगा, और वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. तो अगर हम बात करें तो 4B1, तो अगर हम B1 की बात करें तो ये कह रहा है 4B1 BS. B1 के केस में सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है किससे, प्रिंटेड वोल्टेज से, और ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, V1 विल बी फ्यूज्ड. तो फर्स्ट बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा. देखो बच्चों, हर लेक्चर में 2-3-4, ये बस 2-4 बातें क्या होती हैं, 2-5 बातें क्या होती हैं, बस मेन होती हैं. बस उन्हीं बातों को आप लिख लिया करो या दिमाग में सेट कर लिया करो बस. ठीक है, लिखना इसलिए जरूरी, कभी आपको रिवाइज करना है तो वो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. तो बहुत एक लेक्चर को बड़े ध्यान से आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए, और उसमें बस 2-3 बातें ही मेन निकल कर आती हैं, वो बातें आप लिख लो या फिर उसको सही से एक बार मन में रिकॉल कर लो कि हाँ भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, बस बात खत्म हो गई. क्योंकि लिखने से भी क्या होगा, लिखने से कॉपी पे लिखोगे तो आपके दिमाग में तो आएगा नहीं, बार बार उसको रिवाइज करोगे, और वो हमेशा याद तभी रहेगा जब एक बार ढंग से उसको क्या कर लोगे, अपने मन में अपने दिमाग में क्या कर लोगे, इसको रिकॉल कर लोगे. तो इसलिए अच्छा है कि आप उसको लिखे भी एक बार और फिर उसको रिकॉल कर ले एक आध बार बीच में, और रिकॉल कर ले, वो क्या हो जाएगा, फिर कंटिन्यू आपके साथ हो जाएगा. ठीक है, थैंक्स.